ये सेकंड तालाब है और उसके बाद में जो है थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। और जो तालाब की टोपोग्राफी डिफरेंट है, खास करके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के फर्स्ट वीक तक पानी पूरा खत्म हो जाता है, तो हर तालाब को हमने इंटरकनेक्ट किया है, कहीं पे सोलर पंप बिठाया है, लाइन डाली है, पानी यहाँ लाया जाता है, यहाँ से फिल्ट्रेशन टैंक को जाता है। और एक बात साथ में मैं बताना चाहता हूँ, जो नेचुरल फार्मिंग है उसका मतलब है कि आपके खेत में हर वो प्रोडक्ट, हर वो झाड़ जो आप लगाते हो, उसका कुछ ना कुछ या तो जमीन को उसने फर्टिलाइज करना चाहिए, या उसके फल फ्रूट आपको मिलना चाहिए, या आपको आपके जानवरों के लिए, मतलब अगर आपके पास गाय है, बकरियां हैं, तो उनको चारा मिलना चाहिए, या आप जो पेस्टिसाइड बनाते हैं जिसको हम दशपर्णी कहते हैं, उसमें उसकी उपयुक्तता होनी चाहिए। तो आप खेत में देखेंगे कि सब जगह हमने एरंडी हमने लगाया हुआ है, जिसे हम कैस्टर ऑयल कहते हैं, ये सब जगह लगाया है, क्योंकि इसकी लीव्स हम जमीन में खेती के टाइम मिक्स करते हैं मल्चिंग के अंदर। इसके पत्तों को पेस्टिसाइड्स जो दशपर्णी बनती है उसमें यूज किया जाता है, और इसके सीड्स फार्मर्स बेच सकता है या उसका ऑयल निकाल सकता है। और आप और हम सब जानते हैं कैस्टर ऑयल कितना महंगा है। नमस्कार साहेब, ने आता सांगितलं की एरंडी, मी थोड्या वेळाने तुम्हाला दाखवेन की एरंडीचं झाड कसं असतं आणि त्याला कुठे कुठे वापरता येतं, झिरो बजेट फार्मिंग मध्ये त्याचा फायदा कसा होतो, आणि साहेब आणखीन एक शब्द वापरला मल्चिंग म्हणजे नेमकं काय आणि मल्चिंगसाठी काय केलं पाहिजे, आणि सध्या जे शेतकरी रासायनिक खतं वापरून शेती करतात त्यांच्यासाठी एक उत्तम उपाय, उपयुक्त असं ते मल्चिंगचा विषय आहे, तर आपण थोड्या वेळाने नंतर साहेबांकडनं पुन्हा समजून घेऊया।